हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 3, जिसका नाम है रांगास मैरिज, और इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेशा अयंगर। इस चैप्टर में एक लड़का है रांगा, जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है, और इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई शहर की पूरी कर अपने होसाहाली गाँव में वापस आया है, और किस तरीके से लोग उसे देखने के लिए उसके घर आते हैं। और साथ ही साथ जो राइटर है वो ये भी बताता है कि शादी को लेकर रांगास के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, और राइटर जो है उसकी शादी की किस तरीके से प्लानिंग करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले राइटर जो है ये बताता है कि उसने इस चैप्टर को कोई काल्पनिक टॉपिक क्यों नहीं दिया, उसका नाम कोई अपने मर्जी से क्यों नहीं रखा, जैसे कि रंगनाथ का विवाह, रंगनाथ विजय, जगन्नाथ विजय, गिरिजा का विवाह, ये सब चीजें। और साथ ही साथ राइटर जो है इसमें सबसे पहले जो गांव है होसाहाली उसके बारे में बताता है कि वो कैसा दिखता है। ऑथर बताता है कि इस गांव का जिक्र किसी भी ज्योग्राफी की बुक में नहीं है, और यहाँ के लोग भी इस बात पर ध्यान नहीं देते, और जो ड्राइवर हैं अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी ये इस बारे में, इस गांव के बारे में नहीं जानते। ये जो गांव है मैसूर स्टेट में है। ऑथर जो है इस गांव की स्पेशलिटीज के बारे में बताता है कि यहाँ एक आम का पेड़ है, यदि आप उसमें से किसी भी आम को तोड़कर चखें तो आप ये पाएंगे कि कोई भी वस्तु कितनी कड़वी हो सकती है। और साथ ही साथ वो राइटर बताता है कि गांव में एक तालाब है और उसमें जो है पानी भरा हुआ है, और उसमें एक जो है क्रीपर यानी कि एक बेल है या लता है, और उसमें ना कुछ फूल उगते हैं, और वो जब देखे जाते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, मन को मोह लेते हैं। और साथ ही साथ बताता है कि अगर आप उस तालाब में नहाने के लिए जाएं तो आप उस क्रीपर की दो लीव्स खा लें, यानी उस लता में से दो जो पत्तियां हैं खा लें, तो आपको दोपहर तक खाना खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि अगर आपको इस गांव के बारे में और अधिक जानकारी जो है अच्छे तरीके से आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप प्लीज इस गांव में जरूर आए। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि 10 साल पहले गाँव के अकाउंटेंट का बेटा रंगा अपनी स्टडी के लिए बेंगलोर गया था। उन दिनों जो है गांव के लोग जो है अंग्रेजी में बहुत कम बात करते थे, और वहां जो है बेसिकली कन्नड़ भाषा जो है बोली जाती थी, और जो अंग्रेजी है उसको बहुत ही कम यूज किया जाता था। आफ्टर 6 मंथ रंगास जो है अपने घर वापस आ जाता है, और जैसे ही उसके आने की खबर गांव में फैलती है वैसे ही गांव के लोग उसे देखने के लिए उसके घर आ जाते हैं। उसमें से जो ऑथर भी जो है वो भी एक होता है। अब होता क्या है कि जो लोग आए हुए थे वो ये देखना चाहते हैं क्या रंगा में कोई चेंजेस आया है, जैसे वो 6 महीने पहले यहाँ से गया था क्या अभी भी वो वैसा ही है। पर होता क्या है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हुए थे रंगा में, वो वैसे ही होता है। तो लोग ये सब चीजें जो देख कर वापस अपने घर चले जाते हैं, पर जो राइटर है वही रुका रहता है और उसे जो है उस रंगा के हालचाल पूछता है, और रंगा भी उसके पैरों को छूता है, नमस्कार करता है, उसे हंसी खुशी बातें करता है, फिर राइटर भी वहां से चला जाता है। उसी दोपहर राइटर जब अपने घर आराम कर रहा होता है तब जो रंगा है 2 संतरे लेकर उसके घर आता है। राइटर सोचता है कि ये एक बहुत अच्छी बात होगी यदि मैं रंगा जैसे यंग व्यक्ति की शादी करवा दूं, जो कि एक उदार यानी जेनरस और एक विचारशील यानी कंसिडरेट व्यक्ति है, तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो समाज सेवा भी करेगा। अब राइटर जो है रंगा से पूछता है कि तुम्हारा शादी को लेकर क्या ख्याल है, शादी वादी करनी है या नहीं। रंगा कहता है कि मैं अभी इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और रंगा कहता है ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज है उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता कि उस तरीके से शादी करूँ, क्योंकि उसका मानना होता है कि उस कंडीशन में जो है लड़की मैच्योर नहीं होती। वो कहता है कि
लड़की ऐसी होनी चाहिए, रांगा जो बताता है लड़की के विषय में कि वो ऐसी होनी चाहिए, पूरी मेच्योर हो और उसकी जो है मेरे साथ साथ सभी उसकी तारीफ भी करें। और इसलिए रांगा कहता है कि मैंने शादी करने का जो विचार है वो छोड़ ही दिया है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो राइटर कहता है कि मुझे यह सोचकर और सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि इतने अच्छे लड़के ने कुवारा रहने की कसम खा ली है, जो कि राइटर के हिसाब से एक बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता था। तो जो राइटर है इन सब चीजों को सुनकर वो सोचता है कि मैं इसकी शादी जरूर करवाऊंगा और वो एक प्लान बनाता है। और अब जो राइटर है वो रामा राव की भतीजी रत्ना को जानता था, जो अभी हाल ही में अपने एक बड़े शहर से गांव में आई थी। उसकी उम्र जो है 11 साल की थी, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी, उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा सुरीली थी और उसके माता पिता की जो है मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए रामा राव जो है उसे अपने घर ले आया था। राइटर सोचता है कि ये लड़की रांगा के लिए अच्छी रहेगी। अब वो सोचता है कि किस तरीके से मैं रत्ना और रांगा का इंट्रो करवाऊं, कैसे इन दोनों को मिलवाऊं। राइटर जो है रामा राव के घर अक्सर जाया करता था, तो वहां उसकी मुलाकात रत्ना से भी काफी पहले हो चुकी थी और रत्ना भी उसे काफी घुल मिल चुकी थी। वो जो है अगली सुबह रामा राव के घर गया और उसकी वाइफ से कहता है रामा राव की कि मैं उनके लिए छाछ भिजवाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप जो है रत्ना को मेरे घर भेज दीजिए, वो छाछ ले जाएगी। अब जो है रत्ना जो है राइटर के घर चली जाती है। उसने बहुत ही अच्छी और सुंदर साड़ी पहनी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही होती है। अब राइटर उससे कहता है कि मेरे कमरे में यहाँ बैठ जाओ और मुझे जो है एक बहुत सुंदर गाना सुनाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। और राइटर जो है रंगा को आने के लिए पहले ही बोल देता है। और जब वो रत्ना गाना गा रही होती है तो राइटर की आंखों के सामने जो है कृष्ण जी की मूर्ति होती है। तभी रंगा जो है दरवाजे पर पहुंच जाता है और चौखट पर ही रुक जाता है डोर के पास, क्योंकि रंगा नहीं चाहता कि इतना सुंदर जो संगीत चल रहा है, जो ये गाने वाली गायिका है, ये अपना गाना रोके। और रंगा को जो है एक्साइटमेंट भी हो रही होती कि गा कौन रहा है देखूं मैं, तो वो क्या करता है बहुत ही आराम से अंदर की तरफ झांकता है। कमरे में जाता हुआ जो एक जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो रुक जाती है, क्योंकि रंगा जो है उसकी तरफ देखता है तो वो लाइट ना के वहाँ अंधेरा छा जाता है। इसलिए तो रत्ना जो है ऊपर की तरफ देखती है कि ये कौन अननोन व्यक्ति है और वो एकदम से गाना रोक देती है। अब जो रंगा है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, वो कहता है कि अब वो चला जाएगा क्योंकि उसके आने से जो गाना था वो रुक गया है। और जो रत्ना है वो शर्माकर अंदर चली जाती है। रंगा ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ ऑथर से कहता है कि वो लड़की कौन थी। अब ऑथर कहता है कि यह लड़की रामा राव की भतीजी है। और ऑथर ये भी कहता है कि उसकी शादी जो है 1 साल पहले ही हो चुकी है। तो ये सुन के रंगा के चेहरे का रंग जो है एकदम बदल जाता है और रंगा जो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जो ऑथर है वो शास्त्री जी के पास चले जाते हैं और उन्हें जो है बता देते हैं कि किस तरीके से क्या क्या आपको करना है, यानी कि पहले ही प्लानिंग रच दी जाती है कि मैं यहाँ रंगा को लाऊंगा और आपको ये बोलना है। जो राइटर जो है ये सब चीज़ें शास्त्री जी को बोलता है। उस दोपहर जो रंगा है उससे ऑथर जो है मिलता है, उसको देखता है कि उसमें कोई चेंज नहीं है, पर फिर भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसा जो है ऑथर को एहसास हो जाता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है या किसी ख्याल में आप डूबे हुए हो, तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है। तो राइटर कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। तो रंगा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, ठीक हो जाएगा। तो फिर से जो ऑथर है राइटर वो फिर से पूछते हैं कि क्या कोई और बात है, तो
वो कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, रंगा चुप ही रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें जो है मेरे शास्त्री जी हैं उनके पास लेके चलता हूँ। चलो उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या कोई क्या ऐसी चीज़ है, क्या कोई ग्रह नक्षत्र खराब है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। तो रंगा जो है वो भी चुपचाप राइटर के साथ चल देता है। अब जो शास्त्री जी हैं अपने पोथी पत्रों के साथ जो काउंटिंग है ग्रह नक्षत्रों की वो चालू करते हैं और बताते हैं कि इसकी जो मेंटल कंडीशन है उसकी एक ही वजह है, वो है लड़की। तो कहता है क्या तुम लड़की की वजह से परेशान हो, रंगा से जो है राइटर पूछता है। तो कहता है नहीं, पर इस टॉपिक पे जो शास्त्री है वो कहता है कि हाँ इसकी जो वजह है वो कोई लड़की ही है, हो सकता है उसका नाम कमला हो, क्योंकि उस लड़की का जो नाम है समुद्र में पाई जाने वाली किसी चीज के ऊपर है, या तो कमला हो सकता है या फिर वो काई जिसे पाछी भी कहते हैं, या फिर मोती या कोई रत्न जो कि एक अनमोल पत्थर होता है। अब राइटर जो है वो कहता है कि रत्ना तो रामा राव की भतीजी का नाम है, पर वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो फिर शास्त्री कहता है पर पता नहीं वजह तो यही दिखाई दे रही है मुझे यहाँ। तो वो राइटर जो है रंगा की तरफ देखता है और वो भी एक दूसरे की तरफ ही देखता है, वहां से फिर चले जाते हैं। अब दोनों जो हैं रंगा और जो राइटर दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, वहीं जो है रामा राव के घर के पास ही से वो गुजर रहे होते हैं। तो वहाँ जो है रत्ना दरवाजे पर खड़ी होती है। लेखक जो है अकेला रत्ना को लेकर अंदर जाता है घर में और एक मिनट बाद वापस आता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही आश्चर्य की इमेज दिखाई देती है। अब वो रंगा को बताता है कि उसे जो है गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, रत्ना की शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है। और रंगा जो कहता है कि इसका मतलब शास्त्री जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से रंगा और रत्ना की जो है शादी हो जाती है। उन्होंने अपने पहले बच्चे का नाम जो है लेखक के नाम पर रखा था, श्यामा। कई सालों के बाद रंगा जो है श्यामा जो राइटर है उसको अपने घर इनवाइट करता है अपने बेटे के बर्थडे पर, श्यामा के, क्योंकि राइटर का नाम भी श्यामा है और राइटर के नाम पर ही रंगा ने अपने बेटे का नाम रखा होता है। तो जो राइटर है उसके घर आता है और श्यामा जो बच्चा है वो उस राइटर के पैर छूता है और राइटर क्या करता है कि उसके गालों को चूमता है और उसकी छोटी सी उंगली में एक गिफ्ट के तौर पर अंगूठी पहना देता है।